हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M41 के बारे में, जो कि 16 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ ही सैमसंग गैलेक्सी M31 भी लॉन्च होने जा रहा है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप यहां पर ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M41 के बारे में और बताऊंगा ये इसके प्राइस के बारे में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात करी जाए तो इसका डिज़ाइन जो होने वाला है बिल्कुल M40 वाला होने वाला है। कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगी और पीछे की तरफ आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलेगी 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 409 PPI, और इसके साथ ही आपको इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, और इसमें दोस्तों आपको आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा सैमसंग का एक्जिनोस 9 ऑक्टा 9609 का प्रोसेसर, और इसके साथ ही आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा माली G72 MP3। और दोस्तों इसमें आपको रैम बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, इसमें आपको मिलेगी 6GB की रैम, और इंटरनल स्टोरेज की बात कीजिए वो भी आपको इसमें बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 512GB तक। अब मेन दोस्तों इसके कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, और जो इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है वो आपको इसमें बहुत अच्छा खासा कैमरा मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और उसके साथ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो तीसरा कैमरा मिलेगा वो एक डेप्थ सेंसर होगा, जो कि आपको मिलेगा इसमें 5 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि इसकी पंच होल डिस्प्ले के अंदर होने वाला है, वो भी आपको इसमें अच्छा खासा कैमरा मिलने वाला है। वो आपको इसमें मिलेगा 24 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, और इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें 4100mAh की बैटरी मिल जाएगी, और इसके साथ ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग की स्पॉट भी मिल जाएगी। और दोस्तों ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में भी मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सिम है वो हाइब्रिड सिम होगा, यानी कि आप दोनों सिम यूज़ कर सकते हो या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको USB टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ठीक आपको इसके पीछे की तरफ मिलने वाला है। अब लास्ट में दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात की जाए, ये फ़ोन आपको मिलेगा 22,990 रुपये में, जो कि इसी महीने 16 जनवरी 2020 को लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कीमत में ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आप मिलते हैं एक और नए फोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।